इंडिया में पूरा का पूरा कार मार्केट ही चेंज हो चुका है। लोगों की पसंद बन चुकी है एसयूवी और इस वजह से लोग भर भर के एसयूवी खरीद रहे हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अक्टूबर के महीने में किस एसयूवी ने भाई अपने झंडे गाड़े हैं। इस डाटा के अंदर आपको कॉम्पैक्ट एसयूवी का डाटा भी मिलेगा। टोटल 14 गाड़ियां इस लिस्ट के अंदर है। तो सबसे पहले ज्यादा देरी ना करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। 14 नंबर पे जो कार है वो है महिंद्रा की तरफ से आने वाली थार, जिसकी अलग ही कल्ट फैन फॉलोइंग है, जिसकी इस महीने 5,593 यूनिट बिकी है। महिंद्रा ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को लेके अभी रिसेंट में कुछ ट्वीट करे थे कि हम अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, कि जो वेटिंग पीरियड है उनकी गाड़ियों का वो ज्यादा है। इस वजह से उन्होंने प्रोडक्शन कैपेसिटी के ऊपर बहुत अच्छा ध्यान दिया है और इस चीज को आप इस वीडियो के अंदर आगे भी देखेंगे। 13वें नंबर पे जो गाड़ी आती है वो है किया की तरफ से आने वाली सोनेट, जिसकी इस महीने 6,493 यूनिट बिकी है। 12वें नंबर पे आती है ह्यूंडई की तरफ से आने वाली एक्सटर। अब आप कहोगे एक्सटर इस लिस्ट के अंदर क्या कर रही है, तो भाई उसको भी ह्यूंडई तो एसयूवी ही बोलता है, मिनी एसयूवी, तो इस वजह से उसको भी इस लिस्ट में रखा गया है और उसकी टोटल इस महीने 8,097 यूनिट बिकी है। एक्सटर काफी अच्छा पैकेज प्रोवाइड कराती है, चाहे सेफ्टी के मामले में देख लीजिए, चाहे आप उसके अंदर इंजन ऑप्शंस में देख लीजिए। ये गाड़ी आपको पेट्रोल में भी मिल जाती है, सीएनजी में भी मिल जाती है, ऑटोमेटिक में भी मिल जाती है, सनरूफ में भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी इसका जादू उतना नहीं चल पा रहा है जितना कि पंच का चल रहा था। इसकी डायरेक्ट राइवल है पंच और पंच इससे काफी ज्यादा ऊपर बैठी है लिस्ट के अंदर। 11वें नंबर पे आती है महिंद्रा की एक्सयूवी 700, जिसकी 9,297 यूनिट बिकी है और इसका वेटिंग पीरियड भी कम हुआ है। 10वें नंबर पे जो गाड़ी है उस गाड़ी का तो भाई अलग ही कल्ट फॉलोइंग है, महिंद्रा की तरफ से आने वाली बुलेरो। इस वीडियो के अंदर, इस डाटा के अंदर बुलेरो नियो और बुलेरो जो क्लासिक है दोनों का डाटा है, जिसकी टोटल 9,647 यूनिट बिकी है पूरे भारत के अंदर। 9वें नंबर पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति की तरफ से आने वाली ग्रैंड विटारा, जिसकी 10,834 यूनिट बिकी है। ग्रैंड विटारा अपने बेस मॉडल से ही काफी वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कराती है और इस वजह से लोग इस पे ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। 8वें नंबर पे आती है न्यूली लॉन्च मारुति की तरफ से आने वाली फ्रॉन्क्स। ये एक ऐसे सेगमेंट को कवर करती है जो कि एस क्रॉस ने छोड़ा था और अब फ्रॉन्क्स ने उठा लिया है, जिसकी टोटल 11,357 यूनिट बिकी है अक्टूबर के महीने में। 7वें नंबर पे जो गाड़ी है वो है ह्यूंडई की तरफ से आने वाली वेन्यू, जिसकी 11,581 यूनिट बिकी है। इस गाड़ी की सेल्स पे थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है। 3rd नंबर पे आती है किया की तरफ से आने वाली सेल्टोस, जिसकी 12,362 यूनिट बिकी है पूरे अक्टूबर के महीने में। 5वें नंबर पे आती है ह्यूंडई की तरफ से आने वाली क्रेटा, जिसकी 13,077 यूनिट बिकी है। क्रेटा एक ऐसी गाड़ी है जिसका भाई अलग ही फैन फॉलोइंग है, कि इसके कस्टमर भी अलग ही सेपरेट है, इनको सिर्फ क्रेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस वजह से इसकी सेल्स में हमेशा बूस्ट देखने को मिलता है अगर हम पिछले डाटा को कंपेयर करें तो। 4th नंबर पे गाड़ी आई है महिंद्रा की तरफ से स्कॉर्पियो और स्कॉर्पियो एन दोनों का कंबाइंड डाटा है, जिसकी टोटल 13,578 यूनिट बिकी है पूरे अक्टूबर के महीने में। प्रोडक्शन कैपेसिटी महिंद्रा ने बढ़ाई है, इस वजह से इतनी सारी डिलीवरी वो देने में सक्षम हो पाए हैं। 3rd नंबर पे जो गाड़ी है वो है टाटा की तरफ से आने वाली पंच, और इसका जब से सीएनजी वेरिएंट आया है तब से इस गाड़ी की खेल में चार चांद लग गए हैं। 15,317 गाड़ियां बिकी हैं पूरे अक्टूबर के महीने में और इसका जो डायरेक्ट राइवल है एक्सटर वो पड़ी है 12वें नंबर पे और ये बैठी है 3rd नंबर पे। तो इतना फर्क है इसके अंदर। दोनों ही गाड़ियों के अंदर सीएनजी भी आती है, दोनों ही गाड़ियां पेट्रोल पे भी आती हैं, सनरूफ भी दोनों गाड़ियों के अंदर आ रहा है, लेकिन भाई टाटा ने बाजी मार ली है और एक्स्ट्रा की सेल्स को काफी हद तक पछाड़ दिया है। 2nd नंबर पे जो गाड़ी आती है वो है मारुति की तरफ से आने वाली ब्रेजा, जिसकी 16,050 यूनिट बिकी है। वो बात अलग है कि ब्रेजा के अंदर अब बेस मॉडल के अंदर स्मार्ट हाइब्रिड सिस्टम नहीं मिलता। पहले नंबर पे आप सबकी चहेती गाड़ी है टाटा की तरफ से आने वाली नेक्सॉन, जिसकी 16,887 यूनिट इस पूरे अक्टूबर के महीने में बिकी है और इस वजह से ये गाड़ी टॉप पे बैठी हुई है। टाटा नेक्सॉन का अभी हाल ही में फेसलिफ्ट आया है, जिस वजह से ये गाड़ी और भी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड कराती है। आपकी इनमें से कौन सी फेवरेट गाड़ी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और यही करता हूँ वीडियो का एंड, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।